हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पबजी के सीजन 13 के न्यू किल डेथ रेशो सिस्टम के बारे में। मे बी आपको पता हो, लेकिन एंड में मैं आपको इसको इम्प्रूव करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पुराना वाला फॉर्मूला था यार, मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ कि उसमें क्या होता था, नंबर ऑफ किल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेथ्स। तो यानी कि आप कितने भी लोगों को मारो और आपकी जो डेथ हुई है उसको लोग डिवाइड करके निकाल लेते थे। तो ऐसे में क्या होता था, जो कुछ यू नो कांडी बच्चे होते थे जो छुप जाते थे, एक दो किल करके चिकन डिनर ले लेते थे और बोलते थे यार हम तो जीत गए, उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि उस केस में जो पुराना वाला फॉर्मूला था उससे क्या होता था कि यार उन लोगों का जो किलिंग डेथ रेशियो था वो इम्प्रूव हो जाता था, वो बूस्ट होता था। तो जो नया फॉर्मूला है इसके हिसाब से क्या है, टोटल किल्स डिवाइड बाय टोटल मैचेस प्लेड। तो इस केस में क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो किलिंग डेथ रेशियो है वो 8 का है और आप एक कोई मैच जीते हो 5 किल करके। तो इस केस में आपका जो रेशियो है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो किलिंग डेथ रेशियो एवरेज है वो तो 8 का है, तो आपको हमेशा या तो 8 मानना है या उससे ज्यादा मानना है। तो अब जो हमारा नया वाला फॉर्मूला है वो ये हो गया है। तो देखा जाए तो यार अब यानी कि हमको सोचना पड़ेगा, अगर एक बार ज्यादा किल कर दिए तो फिर हर बार यू नो उस किल के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है तो हो सकता है कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको इसको मेंटेन रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप कैसे, जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप कैसे इसको कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऐसी जगह पे कूदो जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग कूदते हैं, जैसे कि अपना कोचिंग हो गया या स्कूल हो गया, आपको जो भी लगता है आपकी गेम में, तो वहाँ पर क्या होगा, जल्दी सामान उठाया या गन उठी लोगों को मार दिया। तो स्टार्टिंग में अगर हमें ज्यादा किल मिल गए तो हो सकता है यार हम लोग एकदम मेंटेन कर पाए। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा कि यार जो अपनी असॉल्ट राइफल से ज्यादा जो पावर वाली है उनसे लड़ना शुरू कर दो, स्नाइपर को थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि यार वो क्या अपन दूर से मारते ना, तो इसलिए मतलब सीओ को अगर आपके शॉर्ट्स अच्छे तो यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है कि यार छुपने की जगह मारना शुरू कर दो। पहले होता था कि छुपे हुए रहते थे कि एक आध दो लोगों को आए उनको मार दिया, तो वो नहीं करना पड़ेगा, गो फॉर द अटैक, ये एक हो सकता है। तो ये मेरी साइड से बहुत छोटी छोटी एडवाइस थी या टिप्स थी जो आपको मतलब हो सकता है सूट हो ना हो, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलो। मैं यूजुअली इसको एक बार ट्राई करूंगा। अब आप बताओ कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचना है और आपके पास कौन सी प्लानिंग है अपना किलिंग रेट रेशियो को इम्प्रूव करने की, प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं उनके रिप्लाई भी करूंगा। दिस इज प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।